अनिष्ट। श्रद्धे से साहेब जी मुद मंगल में संत समाज धर्म प्रेमी बंधुओं श्रद्धा मूर्ति देवी, बिगड़े आदमी की पहचान क्या है? किसी से लड़ना, किसी से झगड़ना, किसी से मारपीट करना, किसी की जमीन जायदाद को हड़प लेना, किसी की बहू बेटी पर कुदृष्टि रखना, दुर्व्यवहार करना, झूठ बोलना, दूसरे को धोखा देना, बेईमानी करना, बदमाशी करना, घूस लेना, भ्रष्टाचार लेना, ये तो बिगड़े आदमी की पहचान। अभी कहाँ होता है? जब कोई आदमी झूठ बोलेगा तो दूसरे को कष्ट होगा, किसी से लड़ेगा झगड़ेगा तो दूसरे को कष्ट होगा, किसी की बहू बेटी पर कुदृष्टि करेगा तो दूसरे को कष्ट होगा, मिलानबाजी करेगा तो दूसरे को कष्ट होगा। तो आदमी बिगड़ता है तो अपना जीवन तो बर्बाद करता ही है, ना मालूम कितने लोगों के जीवन को बर्बाद करता है, उनको पीड़ा देता है। आदमी अपने गुणों को भूल गया है और इसी कारण से आज आदमी आदमी का दुश्मन बन गया है। आज आदमी को आदमी से जितना खतरा है, आदमी को आदमी से जितना भय है, उतना खतरा उतना भय किसी अन्य प्राणी से नहीं है। आदमी ही आदमी का दुश्मन बन गया है। एक गाय दूसरे गाय से लड़ती नहीं है, कभी थोड़ा बहुत हो गया तो कुछ हो गया बस भूल गए। बैल बैल से नहीं लड़ता, हाथी हाथी से नहीं लड़ता, घोड़ा घोड़ा से नहीं लड़ता, कभी कुछ हो गया किसी खाने पीने चीज को लेकर, लेकिन वो जन्मजात बैर नहीं मानते। और सांप तो इतना है, कोई गाय कोई बैल कोई घोड़ा कोई गधा कोई हाथी दूसरे पर मुकदमा तो करता ही नहीं है, दूसरे से शिकायत तो करता नहीं है, दूसरे की निंदा नहीं करता, बुराई नहीं करता, बस खाने पीने की चीज को लेकर किसी लेकर के सिंह लड़ा लिए, बस हट गए फिर भूल गए। कल इस गाय ने मुझे सिंह मारी थी तो आज इसको मैं सिंह मारू, गाय ऐसा नहीं सोचती। और आदमी क्या सोचता है? कल इस आदमी ने मुझे मिट्टी से फेंक कर मारा था तो आज इसे मैं पत्थर फेंक कर मारूंगा। आदमी आदमी का दुश्मन बना हुआ है, उलझा हुआ है। ये आदमी के बिगड़ने की पहचान, आदमी अपने गुणों को भूल गया है। गुण क्या है? मनुष्यता, मानवता, आदमियत, इंसानियत। लेकिन क्या ऐसा है? कहा ना कि आज आदमी को आदमी से खतरा। देश की सीमा में हमारे लाखों सैनिक दिन रात पहरा दे रहे हैं। किनके लिए पहरा दे रहे हैं? कि कोई गाय बैल ना आ जाए, कि हाथी घोड़ा ना आए, कि कीड़े मकोड़े ना आए, कोई वो भी कोई आदमी है जिनको रोकने के लिए ठंडी गर्मी सब सहन करके सैनिक पहरा दे रहे हैं। अनुबम बनाए जा रहे हैं, कैसे कैसे बम बनाए जा रहे हैं, किनको मारने के लिए, किनसे खतरा है? आज दुनिया के अनेक देश परमाणु बम बना रहे हैं और कहते क्या हैं? हम इसको इसे किसी को मारने के लिए नहीं कर रहे, हमारे हमारे ऊपर खतरा है इसलिए हम कर रहे हैं। हर देश को खतरा, पता नहीं किसको किससे खतरा है। किसी का दिमाग खराब हो जाए और दो चार परमाणु बम फोड़ दे तो क्या हालत हो जाएगी दुनिया की? गुणों को भूल गए है आदमी। आज कहना चाहिए आदमी तेरा अवगुण बड़ा। सब तरफ आपाधापी, सब तरफ मारा मारी, बैर विरोध, आदमी का आदमी दुश्मन। आदमी
कितना बिगड़ गया है। किसी ने बहुत बढ़िया कहा है, सारे पैमाने छोटे पड़ गए गिरावट को आदमी के नापने की। आदमी को गिरावट, आदमी की गिरावट को नापने के जितने पैमाने से सब छोटे पड़ गए, इतना गिर गया है आदमी। एक व्यंग है आदमी की गिरावट, आदमी के दुर्व्यवहार, आदमी के चातुर्य को देख करके कहते हैं कि एक हॉस्पिटल था, उसके बाहर सूचना बोर्ड लगा हुआ था। हॉस्पिटल की जो स्थिति होती थी वहां मरीजों की स्थिति, तो किसको क्या बीमारी है और उसकी क्या दशा है, उस सूचना बोर्ड में सूचना लिख दी जाती थी। तो एक दिन लोगों ने देखा उस सूचना बोर्ड में सूचना लिखी हुई थी, पहले नंबर पर सूचना थी कि एक आदमी को पागल कुत्ते ने काट लिया है। स्थिति में लिखा हुआ था, घबराने की चिंता करने की कोई बात नहीं है, 5 इंजेक्शन लगेंगे और आदमी ठीक हो जाएगा। दूसरे नंबर पर सूचना थी कि एक आदमी को काले नाग ने काट लिया है। परिणाम में लिखा था स्थिति गंभीर है, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं लेकिन बचने की पूरी पूरी संभावना है। तीसरे नंबर पर सूचना लिखी थी एक आदमी को आदमी ने काट लिया है, परिणाम में लिखा था बचने की कोई संभावना ही नहीं है, चाहे से व्यंग कहो चाहे हकीकत कहो। आदमी अपने गुणों को भूल गया और कितना भाग गया है, आज किससे किसको खतरा है आप बता सकते हैं? आदमी को छोड़ दो तो दुनिया में कौन सा ऐसा प्राणी है जिसको व्यवस्थित करने के लिए सरकार को पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ती है? आदमी को हटा दो बस, कौन ऐसा प्राणी है जिसके लिए दुनिया की सरकारों को पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ती है? आदमी को हटा दो तो कौन ऐसा प्राणी है जिसके लिए सरकार को दंड की, जेल की, न्यायालय की व्यवस्था करनी पड़ती है? कोई ऐसा प्राणी आपको मिलेगा नहीं। एक प्राणी मिलेगा आदमी, आदमी के लिए पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ रही है, आदमी के लिए फौज पकड़ की व्यवस्था करनी पड़ रही है, आदमी के लिए दंड, जेल, न्यायालय की व्यवस्था करनी पड़ रही है। और अहंकार इतना हम दुनिया का सिरमौर प्राणी है, बुद्धिजीवी प्राणी है। बुद्धिजीवी का अर्थ क्या होता है? ऐसा काम करना जो बुद्धिपूर्वक हो, और बुद्धिपूर्वक काम करने का अर्थ क्या है? अपना सुखी रहना और दूसरों को सुखी करना। यदि हर आदमी स्वयं सुखी रह करके दूसरों को सुखी करने में लग जाए तो क्या पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ेगी, दंड जेल की व्यवस्था करनी पड़ेगी? ऐसा नहीं है। स्वयं दुखी है आदमी और दूसरों को दुख देने में लगा हुआ है। इल्ल सदगुरु कबीर कहते हैं, मानुष जन्म चूके वो अपराधी। अरे अपराधी, तुम सुंदर जन्म, मनुष्य जन्म तुम्हें मिला था, तुम इसके चूक गए, इसको जो करना चाहिए था वह नहीं किया, जो नहीं करना चाहिए था वह काम किया। अपराधी किसे कहा जाता है? जो समाज विरोधी काम करता है, किसी के मकान पर जबरदस्ती कब्जा कर ले, किसी घर वाले को मकान से बाहर कर दे, किसी की जमीन पर कब्जा कर ले, किसी की दुकान से कोई चीज उठा करके ले आए, उसको कहा जाता है अपराधी। हम जमीन खरीदें और जमीन खरीद कर उस पर स्वयं मकान बना लें और अपने उस मकान में रहने लगे,
तो कोई हमें अपराधी नहीं कहेगा, क्योंकि हमने जमीन खरीदी, स्वयं मकान बनाया, हम रह रहे हैं, अपराधी हमें कौन कहेगा। लेकिन दूसरे की जमीन पर हम कब्जा कर ले, दूसरे के मकान पर कब्जा कर ले, तो कहा जाएगा ये आदमी अपराधी, अपराध कर रहा है। क्या आदमी भी ऐसा कर रहा है जैसे साहब कहते हैं अब मानव जन्म चुके अपराधी। साहब का संबोधन अनेक प्रकार के संबोधन है, कहीं भाई कहते हैं, कहीं भैया कहते हैं, कहीं पंडित कहते हैं, कहीं संतों कहते हैं, कहीं पंडित कहते हैं, कहीं अवधू कहते हैं, कहीं सुभागा कहते हैं, कहीं बीरा कहते हैं, कहीं हो रमैया राम कहते हैं। और यहां पर सीधे सीधे अपराधी कहते हैं। कोई आदमी हमारे पास आए और उसको देखते हम कहें आइए आइए अपराधी महोदय आइए पधारिए, तो कोई खुश होगा? वह किसी को आप कहिए कि यह आदमी अपराधी है, समझेगा कि मेरा अपमान किया जा रहा है। और सदगुरु कभी संबोधन में ही कहते हैं अरे अपराधी तुम उस जीवन को चुक गए हो। क्या हम अपराधी हैं? हम सब अपराधी हैं। पहली बात तो यह, जिस काम को करने के जीवन मिला वो हम काम नहीं कर रहे हैं। किसी आदमी को अध्यापक की नौकरी लगी हो और तनख्वाह तो लेता हो, अध्यापन करने पढ़ाने एक दिन भी नहीं जाता, कहा गया वो बड़े अपराधी आदमी है, कुछ दिन पढ़ाने नहीं जाता, खाली तनख्वाह लेता है। पुलिस की नौकरी हो, ड्यूटी एक दिन भी नहीं जाता हो, अन्य और कोई नौकरी ड्यूटी एक दिन भी नहीं जाता हो, तब कहा जाएगा वह आदमी अपराधी है, क्योंकि जो काम करना चाहिए था वह काम नहीं करके दूसरा काम करने लग रहा है। हमें जीवन क्यों मिला है और हम काम क्या कर रहे हैं? जीवन मिला है आत्मकल्याण के लिए और दूसरों की सेवा के लिए। आत्मनो मोक्षार्थ जगत धिताश्च, अपने आत्मा के मोक्ष के लिए, कल्याण के लिए और संसार के हित के लिए। सोचना यह है हम लोगों को, कितना हमने आत्मकल्याण का काम किया है और कितना सेवा का काम किया है। हमारी परीक्षा कोई ले तो हमें शून्य नंबर मिलेगा, तो अपराधी तो हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? जो चीज हमारी नहीं है उस चीज को अपना मार रहे हैं। सोचें हमारा क्या है। इस शरीर क्या हमारा है? मकान हमारा है, दुकान हमारी है, और कुछ हमारी है? सारी की सारी चीजें, मिट्टी पानी आग हवा आकाश, इन पंच तत्वों से बनी हुई है। इन सब चीजें क्या है? पंचायती है। और पंचायती को अपना मानना अपराध तो है ही। शरीर पंचायती और हमारा शरीर मेरा है, जमीन दुकान तुकान जो चीजें हो सब पंचायती, वो हम मानते हैं हमारा है। पंचायती चीज केवल उपयोग के लिए होती है, उपयोग करो छोड़ दो, ऊपर कब्जा जमा लो, तो अपराध हम कर रहे हैं। ये शरीर और अन्य प्राणी पदार्थ सब पंचायती है, केवल उपयोग करने के लिए। उपयोग भी किस लिए? आत्मकल्याण और लोक सेवा। आत्मकल्याण का काम नहीं किए, लोक सेवा का काम नहीं किए, और ऊपर जमा लिए अधिकार, मान लिए हमारा, तो अपराध तो कर ही रहे हैं। ये अपराध करना छोड़ दें, केवल उपयोग करें, केवल उपयोग करें। उपयोग करना है तो सुरक्षा रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि उपयोग करते हैं तो उसे लापरवाह हो जाए। ट्रेन में बस में यात्रा करते हैं, कुछ समय के लिए यात्रा होती है, लेकिन जिस सीट में आप बैठते हो उस सीट को साफ रखते हो, उसकी व्यवस्था करते हो,
उसे नोचते फाड़ते नहीं। हाँ, कितने ऐसे लोग होते हैं जो सीट में बैठेंगे, यात्रा करेंगे, जब उतरना होगा ना तो ब्लेड से फाड़ देंगे, और महाअपराध। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? तो कहीं जाते हैं, धर्मशाला में जाते हैं, वहां किसी कमरे में रहते तो वहां भी आप साफ सफाई रखते हैं, सामान की सुरक्षा रखते हैं, ऐसे ही सब चीज की सुरक्षा करो, हिफाजत रखो, साथ संभाल करके रखो, लेकिन अपना ना मानो। अपना मानकर मोह कर लिए, लोभ कर लिए, अधिकार जमा लिए, तो अपराध हुआ और फिर परिणाम दुख भोगना पड़ेगा। ये मनुष्य जीवन केवल कल्याण के, मतलब केवल कल्याण के लिए मिला है। एक ही ड्यूटी है, दुख की निवृत्ति, एक ही काम, और यही काम हम नहीं करते, सब काम करते हैं। एक चुटकुला याद आता है। एक दिन अध्यापक ने स्कूल में बच्चों से पूछा, बच्चों ये बताओ वह कौन सी चीज है जो बनी है किसी और काम के लिए, लेकिन उस चीज का प्रयोग उस काम के लिए न करके भिन्न काम के लिए किया जाता है। वह कौन चीज है जो किसी अन्य काम के लिए बनी है लेकिन उससे अन्य काम लिया जाता है, वह काम नहीं लिया जाता। सब बच्चे शांत रहे। तो अध्यापक ने फिर कहा, घबराओ मत, बताओ वह कौन चीज है जो किसी अन्य काम के लिए बनी है लेकिन उससे अन्य काम लिया जाता है। तो एक बच्चा खड़ा हुआ, कहा सर मैं बताऊं क्या? बताओ। एक बच्चे ने कहा, सर यदि आप यह कहें कि मेरा उत्तर सुन करके आप नाराज नहीं होंगे और मुझे मारेंगे नहीं, तब तो उत्तर बताऊंगा, और उत्तर सुन करके आप नाराज हो गए, मारने लगे, तब उत्तर नहीं बताऊंगा। अध्यापक ने कहा, नहीं बेटे, तुम उत्तर बताओ, तुम पर क्यों नाराज होगा, क्यों मारूंगा, तुम निश्चिंत रहो, न तुम नाराज होगा और न मैं मारूंगा। तब लड़के ने कहा, सर ये आपके हाथ में जो रखा है ना, रूल रखा है, रूल ये बना है लाइन खींचने के लिए, लेकिन उपयोग होता है हम लोग मारने के लिए। एक कहानी है, चुटकुला है। जीवन मिला है कल्याण के लिए, प्रयोग क्या करते हैं? लड़ने झगड़ने के लिए। जीवन मिला है सेवा करने के लिए, और करते क्या है सब जानते हैं। जीवन मिला है सुलझने के लिए, काम करते हैं उलझने का। जीवन मिला है उपासना के लिए, काम करते हैं वासना के लिए। जीवन मिला है योग के लिए, काम करते हैं भोग के लिए। अपराधी नहीं है हम लोग? इसलिए सदगुरु कहते हैं, मानुष जन्म चुके हो अपराधी, अपराधी आदमी तुम इस मनुष्य जीवन को चुक गए। सुंदर अवसर मिला था पूरी शांति से जीना। सोचें इस संसार में हमारा अपना क्या है? जो अपना है उसका हमें ख्याल ही नहीं है, और जो अपना नहीं है उसको अधिकार में करने की चेष्टा, रात दिन चिंता, रात दिन चिंता। काम बिगड़ न जाए, खेती बिगड़ न जाए, दुकान में नुकसान न हो जाए, लड़के को बीमारी न हो जाए, ये न हो जाए, ऐसी चिंता तो बहुत होती है। ठीक है, ये चिंता भी करो व्यवहार में है तो, लेकिन जितनी इसकी चिंता होती है, ये बताओ आज तक जितनी उम्र बीत गई, किसी की उम्र 25 साल बीते ही, किसी की उम्र 30 साल, किसी 40, किसी 50, किसी 60, 70, 75 साल की उम्र वाले भी होंगे, तो इतनी उम्र बीत गई है, ईमानदारी पूर्वक स्वयं आप सोचें कितने बार आपको ये चिंता हुई है कि इतनी उम्र बीत गई, आज तक मैं कल्याण का काम नहीं किया। शायद एक बार भी ना हुई हो बहुतों को। उधर ध्यान ही नहीं है तो अपराधी नहीं है हम लोग? और
दुनिया का काम तो ऐसा है, सदैव अधूरा सदैव अधूरा सदैव अधूरा। कौन कर सका है आज तक दुनिया का काम पूरा का पूरा? समय से जो काम होता है तो पूरा करना पड़ता है, लेकिन दुनिया सदैव आधी अधूरी ही रहेगी। सारी व्यवस्था हम कर लेंगे संभव ही नहीं है। अपने से जो संभव वो व्यवस्था करो, आगे आने वाली पीढ़ी अपनी व्यवस्था करती रहेगी। व्यवस्था 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 के चक्कर में पड़ करके सबकी व्यवस्था करते गए और अपने को बिगाड़ते चले गए। सबको सुलझाते रहे, अपने को उलझाते चले गए, और सबकी चिंता करते रहे, और चिंता करते करते चिता में पहुंचने का नंबर आ गया। और आश्चर्य की बात तो यह है, जवानों को चिंता कम होती है, बूढ़ों को चिंता ज्यादा होती है। होना क्या चाहिए? अरे चिंता करनी है तो जवान लोग करें भाई। अभी हमारी उम्र, अभी हम जवान हैं, बहुत दिन तक जिएंगे, इतने दिन जिएंगे तो क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या बाल बच्चों का होगा, परिवार कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा। चिंता जवानों करना चाहिए, लेकिन जवान निश्चिंत हैं। अब बूढ़े चिंता कर रहे हैं, हमारे नहीं रहने पर हमारे बेटे क्या करेंगे, कहाँ खाएंगे, क्या करेंगे। अरे तुम तो मर जाने वाले, जल्दी चिंता क्यों करते हो? चिंता उनको करना जिन्हें जिन्हें बहुत दिन जीना है। और हकीकत और इतना थोड़े हैं, कितने बूढ़ों को चिंता होती है कि हमारे नहीं रहने पर हमारे बाल बच्चों का, परिवार वालों का क्या होगा, घर कैसे चलेगा। ये बताएं, आपके पिताजी मरे तो आप जवान थे, बच्चे थे, आपके घर चला कि नहीं चला? आपके पिताजी मर गए चिंता करते करते, पिताजी मरे आपने घर संभाल लिया। आप भी जब मर जाएंगे, हम भी जब मर जाएंगे, हमारे पीछे वाले घर संभाल लेंगे, कोई नहीं है। बूढ़े को चिंता है हमारे नहीं रहने पर घर का क्या होगा, घर कैसे चलेगा। जवान को चिंता है ये बूढ़ा कब मरे तो मैं मालिक बनूं। क्यों चिंता कर रहे हो? शरीर बूढ़ा हो गया, बूढ़ा होने पर शक्ति घट जाती है, और जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तब चाहे मजबूती, ऐसा सुंदर जीवन मिला जिसमें पूरा का पूरा अपना कल्याण तुम कर सकते थे। पूरी स्वतंत्रता है, कोई बंधन नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई बंधन नहीं। बल्कि हम पैदा हुए थे तो जीवन में कौन दोष था? सद्गुरु कबीर कहते हैं, जहिया जन्म मुक्ता हता। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब तुम मुक्त थे। जरा सोचें, जब जन्म हुआ था तो क्या बीड़ी पीने की आदत थी, तंबाकू खाने की आदत, गांजा पीने की आदत, झूठ बोलने की आदत, चोरी करने की आदत, लड़ने झगड़ने की आदत, कौन आदत थी? तब तो मुक्त थे ना। बंधन का कारण क्या है? ये जितने दुर्व्यसन है ये बंधन के कारण, लड़ना झगड़ना, मारपीट करना, लोभ करना, मोह करना, क्रोध करना, गाली गलौज देना, ईर्ष्या द्वेष करना, ये सब बंधन के कारण है। और जन्म हुए थे तब ये सब था क्या? ये सब कुछ नहीं था, न काम था मन में, न क्रोध था, न लोभ था, न मोह था, न ईर्ष्या, न द्वेष, न राग, न कुछ नहीं, न लड़ना, न झगड़ना, न गाली, न गलौज, न झूठ, न चोरी, न हिंसा, न हत्या, ना बीड़ी से कुछ भी नहीं। जहिया जन्म मुक्ता हता, मुक्त होकर हम पैदा हुए थे, एकदम निर्मल जीवन। छोटा जो बच्चा होता है एकदम निर्मल निष्पाप, बच्चे के मन में कोई छल कपट नहीं होता है, उनका मन निश्चलमल होता है। छोटे बच्चे खेलते खेलते आपस में लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, दूसरे का कान नोच लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं, और रोते रोते घर चले जाते हैं। दो छोटे बच्चे रोते रोते घर गए, उन दोनों बच्चों की माँ ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? वो कहता है अमुक ने मारा, वो कहता है अमुक ने मारा। और माँ ने सुना तो माँ को गुस्सा आ गया, और गुस्सा में घर से निकलती है, कौन होता वो मेरे बेटे को मारने वाले? उधर उसकी माँ आ गई, उधर उसकी माँ आ गई, दोनों दोनों
लड़ने लगे, गाली गलौज होने लगे, और दोनों बचा करके फिर बहन वही खेलने लग गए साथ में। समझदार कौन है? जिन्हें ना समझ कहते हुए हैं वो बच्चे ज्यादा समझदार हैं, और समझदार कहते हैं वो बड़े लोग समझदार हैं। बच्चे सब भूल जाते हैं, सुखी रहना चाहते हैं। तो दूसरों की गलतियों को भूलना शुरू कर दो, याद ना करो। दूसरे की गलती जितने याद करते रहोगे उतनी मन में कड़ता होगी, क्लेश होगा, दुख होगा, बैर विरोध बढ़ेगा, द्वेष बढ़ेगा। तो छोटे बच्चों का मन एकदम निष्कपट, सरल, भीतर बाहर साफ। इसीलिए भीतर बाहर साफ निष्कपट है, इसलिए कहा जाता है बाल भगवान। आपका अनुभव होगा, छोटा बच्चा, मासूम बच्चा कोई गलती कर दिया, किसी कीमती चीज को तोड़ दिया, किसी कीमती चीज को फाड़ दे, 5,000 भर के नोट ही है उसको भी फाड़ कर फेंक दिया, बड़े लोग गुस्सा करते हैं, इस बेवकूफ है ऐसा करता वैसा करता है। तो लोग कहते हैं अरे भाई क्यों गुस्सा करते, उसे क्या मालूम, मालूम मालूम, बच्चा तो बाल भगवान होता है। उसे गलती करने पर भी कहते हैं ये बच्चा बाल भगवान है, कुछ नहीं जानता। और कोई बड़ा आदमी जवान है वो गलती कर दिया, और कोई डांटता है, कोई कहता है अरे क्यों डांटते हो वो भाई, ये तो जवान भगवान है, ऐसा कहता है कोई? जवान भगवान नहीं कहा जाता है, बाल भगवान कहा जाता है। क्यों? भीतर बाहर एक, सरल, निष्कपट, निष्पाप जीवन। सद्गुरु कबीर कहते हैं जहिया जन्म, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब मुक्त था, तब तुम मुक्त थे, हम मुक्त होकर पैदा हुए थे, लेकिन उम्र बढ़ती गई, बुद्धि बढ़ती गई, समझ बढ़ती गई, अपनी मुक्ति को भूलते चले गए, बंधन बनाते चले गए, जो दिखा वहां पर मोह कर लिया, कहीं पर लोभ कर लिया, कहीं पर बैर कर लिया, कहीं अच्छल कपट से, समझदार होते गए, छली बनते गए, कपटी बनते गए, झूठे बनते चले गए। ये कौन सी समझदारी है? अब इस समझदारी को छोड़ दें, निष्कपट बने, निश्चल बने, निष्पाप बने, और यही जीवन सफलता है। यदि मन में कोई कपट है, कोई छल है, दुराव छिपाव है, कोई पाप है, तो हम सब अपराधी। साहब कहते मानुष जन्म सुख अपराधी। सोचे इस दृष्टि से सोचे तो हम लोग अपराधी हैं या नहीं है? सद्गुरु कबीर की एक एक पंक्ति विचार नहीं होगी, साहब क्यों कहते हैं ऐसा? कितने अपराध हम लोग कर रहे हैं रात दिन। अब अपराध करना बंद करें, जो हो गया सो हो गया, भूला तो भूला, बहुरी की चेतना, भूल हो गई तो हो गई, अब चेत कर लें। अब तक जो अपराध करते थे लोभ करके, मोह करके, राग करके, द्वेष करते थे, अब ये अपराध करना बंद। अपराधी से अपराधी आदमी भी यदि अपराध करना, गलत काम करना छोड़ करके सही काम में लग जाए, सेवा में लग जाए, तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। थाने से या कोर्ट से उसका नाम काट दिया जाता, भाई कभी आदमी सुधर गया पूरा का पूरा। अब ऐसे ही हम लोगों को यमराज के थाना से नाम कटवाना है, काल के थाना से नाम कटवाना है। नहीं कटवाया भी ना, तो फिर वही जब पेशी लगेगी तब कोई उत्तर देने वाला नहीं, कोई गवाही भी नहीं मिलेगी, तब क्या करोगे? इसलिए अभी भी अवसर है, पूरा का पूरा चांस है अपने को सुधारने का, कल्याण का काम करने का, सेवा करने का। तो जीवन का अवसर बड़ा सुंदर मिला है, जो बीता सो बीता। साहब कहते हैं भूला तो भूला बहुत चेतना, भूल हो गई हो गई, ना समझी थी भूल हो गई। अब संत समझा रहे हैं, गुरुजन समझा रहे हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है, सबकी सीख को माने सुने, और जो आज तक गलती करते आ रहे हैं उन सारी गलतियों को, पापों को छोड़ करके संयम, साधना, सदाचार, आत्मज्ञान के पथ पर चलें, और इसी जन्म में अपना पूरा का पूरा कल्याण का काम कर लें बस।